के लीडर बन जाएं तो आप गवारा करेंगे? मैं माफी चाहूंगा जी, क्योंकि कारोबारी मसरूफियात बहुत है। हाँ, ये हो सकता है कि मैं अपने पार्टनर नन्ना से रिक्वेस्ट करूं कि वो ये जिम्मेदारी कबूल करे। इक्वली गुड, मेरा ख्याल हमें कोई एतराज नहीं होगा जी। हमें कोई एतराज नहीं है, नहीं कोई एतराज नहीं है। हम आपको 1,000-2,000 रुपए इंटरटेनमेंट अलाउंस दे दिया करेंगे, ताकि मतलब यह है कि आपका पेट्रोल का खर्चा बच जाए, आपकी तमाम बाकी और चीजें। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हमें किसी को भी एतराज नहीं होगा, हम पूल कर दिया करेंगे। स्विमिंग पूल कर लेंगे। क्या बात है, क्या बात, मुंह उठाए चले आ रहे हैं अंदर। ओ बाबा, मीटिंग हो रही है इस वक्त हमारी। यार कहाँ भीख मांगने आ गए हो, हम तो खुद मांग के खा रहे हैं। अच्छा ठहरो एक मिनट, ये चौनी लो और ये एक समोसा लो। मैं मांगता रही हूँ। नहीं जी नहीं, तुम तो बहुत बड़े साहूकार हो, उससे भी बढ़ के हो। क्या हो भाई, क्या हो, क्या हो? हॉस्पिटल का कर्जदार। अच्छा अच्छा, तो ये उलिया क्या बना रखा है? दिवालिया हो गए होंगे ना, पैसे डूब गए होंगे इनके, खा गए होंगे तेरे जैसे ना देने वाले लोग, चाट गए होंगे चचा को। मैं दिवालिया नहीं, मैं दिवालिया बन गया हूँ। आप लोगों को तो दिवालिया बनना भी नहीं आता। वेरी गुड। कैसे कैसे चमकदार सूट पहने हुए बैठे हुए केक पेस्ट्रियां खा रहे हैं। हाँ। और होटल के बाहर कितनी लंबी लंबी गाड़ियां नए मॉडल की खड़ी हुई है। आपको दिवालिया बनना भी नहीं आता? ये ऐसे होते हैं दिवालिया? देखो मेरी हालत देखो, मुझे देखो। सच कहते हैं, आप इनकी हालत को देखें और इनसे इबरतनाक हासिल करें। आप लोगों को तो फ्रॉड करना भी नहीं आता। मैं अपनी गाड़ी गैराज में बंद करके मैं रिक्शे में आया हूँ। हाँ, रिक्शे में नहीं आए होंगे, रिक्शे के नीचे आए होंगे, जो हालत आपकी बता रही है। हाँ? और मैं अपने अपने कपड़े दराज में बंद करके अपने नौकरों के कपड़े पहन के आया। अच्छा अच्छा, तो आपके नौकर भी आपके साइज के ही है? 2 दिन से शेव नहीं की, 2 दिन से डाइटिंग महज इसलिए कर रहा हूँ कि शायद मौत आ जाए। शायद ऊपर से कोई बातचीत करने वाला आ जाए। नहीं नहीं हुजूर, असल में बात यह है कि ये हमारी अपनी मीटिंग थी। हाँ। बात दरअसल ये है साहब कि हम अपने मुतालबात लेकर बहुत जल्द इस्लामाबाद जाने वाले हैं और अल्लन साहब हमारे वक्त के लीडर हैं। यस, तो अल्लन साहब आपको तो फौरन आ जाना चाहिए। जनाब ये कल ही इंशाल्लाह वक्त तश्कील पा जाएगा और हम आओगे। चाचा जी वैसे आप कितना माल पेल गए हैं? 2 करोड़ लिया, ज्यादा नहीं। तो आप तो 4 करोड़ भी ले सकते हैं, तो ये बाकी का 2 करोड़ के 8 करोड़ के लिए छोड़ दिया। बताइए, 2 करोड़ छोड़ दिए और एहसान मंद नहीं है महकमा। हाँ, जरा सोचिए, 2 करोड़ इन्होंने छोड़ दिए, वापस मांग रहे। बात की, अब ये तुम बताओ कि ये वापस कहां से देंगे? इनकी शक्ल से लगता है कि ये वापस दे देंगे? ये इनकी हालत से तो देख के आदमी ये कहता है कि ये किसी को तसल्ली नहीं दे सकते, तो रकम कहां से देंगे? ये देखो, आंखों के सामने उन्होंने चीक डाल लिए ताकि किसी अफसर को देख के इनको चूक ना पड़ जाए। इनको तो खुद चंदा देने को जी चाहता, क्यों जी चाचा जी? अस्सलाम वालेकुम। माफ कीजिएगा, हमें कुछ देर हो गई। हाँ जी, मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा ही देर हो गई है। वो पेस्ट्रियां काफी तो खत्म हो गई हैं और ये जो बाकी पड़ी हुई है ना, ये देख रही है, मेरा ख्याल है कि ये कुछ अच्छी नहीं है, तो इसको लिफाफे में बंद करके तो मैं बाहर फेंक दूंगा। हमें पता ही नहीं था कि हमें भी नहीं पता था कि इतनी पेस्ट्रियां पड़ी हुई हैं। नहीं, वो कुछ और कह रही है। हमें पता ही नहीं था कि आप हमारे लिए इतनी अच्छी चीजें सोच रहे हैं। तशरीफ रखिए आप प्लीज। जी तो आप साथ है ना? जी जी मैं। अच्छा ठीक है ठीक है। आप हाउस बिल्डिंग की आप भी कर्जदार है ना? हाँ। तो कितना कर्जा आपने पकड़ लिया गवर्नमेंट से? ये इनका मकसद ये है कि आपने गवर्नमेंट को माली सदमा कितना पहुंचाया है। वो जी, मैं तो पहले ही बड़ी सताई हुई औरत हूँ, बड़ी कमर टूटी हुई है। ओए, क्या बात कर रही हैं आप? तो बीबी आपकी कोई ऐसी जायदाद वायदाद तो नहीं है जिसको कुर्क होने का अंदेशा हो? वो जी कुछ जमीने हैं, कुछ मकान है। अच्छा। एक ट्रेवल एजेंसी है बस। अच्छा अच्छा, तो आपकी कुछ कुछ जायदाद है? जी मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं बस इनका शोहर हूँ। हाँ तो यही बहुत है। जी बिल्कुल, तो आप फिक्र ना करें, हम लोग मुत्तहिद हो गए हैं सारे कर्जदारान जो है हाउस बिल्डिंग के, और हम एक वफ्द तश्कील करके तो इस्लामाबाद जा रहे हैं, वहाँ अपनी गुजारिशात पेश कर देंगे। लेकिन अलन, इतनी टिकटें बेगम साहब की एजेंसी से आएंगी? नहीं नहीं, नहीं टिकटों की आप फिक्र ना करें, टिकटें हमारी अंजुमन मुहैया करेगी और आपके कायम तमाम का बंदोबस्त भी अंजुमन करेगी। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। तो आप कब जा रहे हैं? हम जी कल की